स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो एडवोकेट एंड लेवस्ती में आज की इस कहानी में आने वाले मोड और रिश्तों के बीच के जज्बातों को देखने के लिए तैयार हो जाइए। सपना और अंजलि एक कठिन दौर से गुजर रहे जब गिनी पुराने गिले शिकवे निकालते हुए एक नया कदम उठाती है। अंजलि की नाराजगी और सपना की मजबूरियां उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो उनके रिश्तों को और पेचीदा बना सकते हैं। दिवाली के अवसर पर जब सपना एक मुश्किल परिस्थिति का सामना करती है, रमेश भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वो अंजलि की मदद के बिना इस कठिन समय को पार कर पाएगी? दिवाली के दिन सपना पर मुसीबतों की बारिश होती है और हालात बिगड़ते देख वो अपनी तकलीफों का इल्जाम अंजलि पर मढ़ देती है। इसी समय रमेश भाई उसे समझाने आते कि अंजलि को इस मुश्किल में मत डालिए। रमेश भाई की बातें सुनकर गणेश अवस्थी को सब याद आता है जो उनके साथ हुआ और फिर से उन्हें सदमा लगता है। तब सपना गिनी का ऑफर एक्सेप्ट कर राघव सिंह राजपूत के यहाँ चली जाती है। वहाँ जब सामने से नंदिनी और गिनी के घर वाले उनकी इंसल्ट करते सपना वो सब सुनकर बहुत हर्ट हो जाती है। अंजलि भेस बदले जब वहाँ आती है, वहाँ सपना के बारे में बुरा भला कहता सबको सुनकर और भी हर्ट हो जाती है। रमेश भाई अमन से वादा लेते कि अमन कभी भी अंजलि का साथ नहीं छोड़ेगा और रमेश भाई भी कहते कि वो अर्जुन को फिर से युद्ध के मैदान में लेकर आएंगे। देखने वाली बात तो ये है कि क्या होगा, कि क्या अंजलि सपना की हेल्प कर पाएगी, क्या अमन अपना राज अंजलि से छुपा पाएगा, क्या अंजलि जान पाएगी किन्हीं का प्लान, क्या होगा आगे स्टोरी में जानने के लिए देखिए सीरियल सिर्फ स्टार प्लस पर।